नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ते। इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान की सारी एबीसी तुहानू समझा देंगा। तां करके एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में पूरा देखो तो नाल दी नाल जो भी सी वीडियो में मैं दस्या होया उसनू अपनी कॉपी उत्ते राइट डाउन जरूर करते रहो। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने तो पहले तुहानू पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान रिलेटेड जिहड़े भी क्वेश्चन आते हैं उन्होंने की पूछा होंगे, आपको एक आर्टिकल दिता हो, जिवें एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन में यह लिखा होगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 4 नू किहड़े भाग में रखा गया है। तो आपको याद रखना होगा यह कि संविधान के किहड़े भाग में है, जो अपने तो पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान में जो भाग नंबर 1 है, पार्ट 1 है, उस विच किन्ने आर्टिकल आउंदे ने ते की आर्टिकल विच डिफाइन किया होया। ओके दोस्तों, यह सारा कुछ समझने लिए तुहानू यह वीडियो पूरी देखनी होगी, तो आप अज दी हुण वीडियो स्टार्ट कर लैने आ। तो टोटल आप संविधान की गल करिए, संविधान में किन्ने भाग ने? टोटल 22 भाग ने। तो उन्होंने 22 भागों में किन्ने आर्टिकल ने? 395 आर्टिकल इनकलूड ने इन्हों। हूँ इन्हों 22 भागों में आप सब तो पहला भाग नंबर 1 की गल करिए, इस टोटल 1 तो लैके 4 आर्टिकल इनकलूड किए हुए हैं। तो यह 1 तो लैके 4 आर्टिकल की दर्शाते हैं? मतलब संविधान के पार्ट पहले विच, पार्ट 1 विच आर्टिकल 1 तो लैके 4 इनकलूड ने। तो इन आर्टिकलों में की लिखा हुआ है कि यूनियन इसका खेत्र। हूँ जिवें आप जो भारत बनया सी हूँ तो हूँ संविधान के बेस से चलेगा, तो संविधान निर्माता ने सोचा कि सब तो पहले अपने भारत की जी यूनियन इसका खेत्र आप निश्चित करना होगा। तो उन्होंने आर्टिकल 1 तो लैके 4 भारत एक यूनियन देश है, तो इसकी जी सीमावान ने जोड़े खेत्र ने उसके खेत्र डिफाइन किया हुआ है। तो हूँ जी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटड एक PDF है, जो तुम ये बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उत्थे जाके 40-45 रुपये में यह बाय कर सकते हो। इस PDF में जिवें हुण मैं तुहानू समझाया है कि पार्ट 1 विच की लिखा हुआ है, कि डिफाइन करता है यूनियन ऑफ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिफाइन करता है। तो इस विच 1 तो लैके 4 आर्टिकल ने। इन आर्टिकलों को ब्रीफली समझने लिए तुसी इस डाकूमेंट को परचेज कर सकते हो, लिंक तुहानू वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं पा दिता है, उत्थे जाके एक बार चैक कर लो। क्योंकि जे मैं हुण ब्रीफली तुहानू यह सारा कुछ समझावांगा आर्टिकलों बारे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी, तो करके आप जस्ट तुसी इत्थे ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लो जां अपनी नोटबुक उत्ते राइट डाउन कर लो इन्हों। ओके दोस्तों, हुण आपां गल कर लैणे भारतीय संविधान के भाग 2 विच किन्ने आर्टिकल ने? 5 तो लैके 11 तक आर्टिकल इस विच इनकलूड ने। तो इन्ह आर्टिकलों में किस बारे लिखा हुआ है? नागरिकता बारे पूरी डिटेल में जो रूल्स बनाए गए हैं उन्होंने लिखा हुआ है। पार्ट 2 के सिटीजनशिप में यानी नागरिकता में आप देख सकते हैं 5 तो लैके 11 आर्टिकल इनकलूड ने। तो इतने तुम ब्रीफली इन्हों पढ़ भी सकते हो तो राइट डाउन भी कर सकते हो। एंड दोस्तों, काफ़ी कैंडीडेट मैं तो पोलिटी रिलेटड बेस्ट बुक बारे पूछ रहे सन, तो बेस्ट बुक का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उत्थे जाके लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पर जाके ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी से इस बुक में ऑर्डर कर सकते हो, अपनी एग्जाम की तैयारी में स्टार्ट कर सकते हो। तो हुण भारतीय संविधान के भाग 3 की गल करिए, इस विच आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो इन आर्टिकलों में अपने फंडामेंटल राइट्स बारे चंगी तरह इन्होंने लिखा हुआ है कि आम जिहड़े भी नागरिक ने उन्होंने बुनियादी अधिकार की कुछ मिलेंगे जे वह भारत के नागरिक ने। एंड भाग नंबर 4 की गल करिए, 4 विच किन्ने आर्टिकल आते हैं? 36 तो लैके 51 तक आर्टिकल इनकलूड ने, जिस विच निर्देश सिद्धांतों बारे आपां पूरी जानकारी दी हुई है। इतने भी तुम भाग 4 देख सकते हो, जिस विच इन्होंने लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटड जिहड़े आर्टिकल ने 36 तो लैके आप चैक कर सकते हैं, इतने 51 तक आर्टिकल इनकलूड किए गए हैं। तो इन्होंने इतने ब्रीफली तुम देख सकते हो, जां इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जां इसको राइट डाउन कर लो। जे बाय करना लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता, उत्थे जाके बाय कर सकते हो। तो इस तो बाद आप गल कर लेने भाग नंबर 4A, जो पार्ट नंबर 4 है उसका एक होर भाग है, सब भाग जिन्होंने आप कह दें, तो उसू आप पार्ट 4A के नाम नाल जानते हैं, जिस विच अपनी फंडामेंटल्स ड्यूटी बारे इनकलूड किया हो। इस विच सिर्फ एक आर्टिकल है जिसनों आप 51A आर्टिकल के नाम नाल जानते हैं। हूँ एग्जाम विच यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 5 विच किहड़े आर्टिकल ने, तो उस विच की दर्शाया गया, तो आपां नूं याद रखना होगा भाग 5 जिहड़ा उस विच आर्टिकल 52 तो लैके 151 तक आर्टिकल इनकलूड ने। तो यह आर्टिकलों में की लिखा हुआ है कि भारत एक यूनियन है यानी संघ। भाग नंबर 6 की गल करिए, इस विच आर्टिकल 152 तो लैके 237 तक आर्टिकल इनकलूड किए गए हैं। तो इन आर्टिकलों में स्टेट्स बारे अपने राज्यों बारे पूरी जानकारी दी गई है।
स्टेट्स तो की मतलब है दोस्तों, राज्यों तो की मतलब है। यह आर्टिकल आपको दसदा है कि अपने राज्य विच गवर्नर किवें नियुक्त किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव की पावर की होगी, तो इस अलावा कंडीशन ऑफ गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन होगी, तो होर बतेरा कुछ काउंसिल मिनिस्टरी किमें सैट की जाएगी, इस रिलेटड अपने स्टेटा और राज्य की जानकारी इन आर्टिकलों में लिखी हुई है। ओके दोस्तों, उम्मीद है तुम्हें यह क्लास समझ से आ रही है। जे हाँ समझ से आ रही है तो मैं वीडियो में यस लिख के कमेंट जरूर कर दो। एंड अगर चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं पोलिटिक कंप्यूटर जनरल साइंस डिजिटल लिटरेसी एंड इकनोमिक्स रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुसीं इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया। जे तुसीं भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में एक बार जरूर बाय कर लियो। तो इस बाद आप भाग नंबर 7 की गल करिए, इस विच किन्ने आर्टिकल ने, सिर्फ एक आर्टिकल इनकलूड है इस विच, ते इस आर्टिकल का नाम है 238। तो यह आर्टिकल की कहता है, द स्टेट इन पार्ट ऑफ बी द फर्स्ट शड्यूल। इस भाग में ज़्यादा कुछ मैनशन नहीं किया हुआ, तो करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो यह कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इस करके इसको स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा। एंड हूँ आप गल कर लें भाग नंबर 8 की, 8 विच किन्ने आर्टिकल इनकलूड किए हुए हैं, 239 तो लैके 242 तक आर्टिकल भाग नंबर 8 विच इनकलूड ने। तो यह आर्टिकल की दर्शाते हैं, द यूनियंस ऑफ टेरेटरी, यूनियन का खेत्र दर्शाते, जोड़े राज्य ने अपने उन्होंने खेत्र बारे इस आर्टिकल विच लिखा हुआ है। एंड भाग नंबर 9 की गल करिए, इस विच आर्टिकल जोड़े ने 243 A तो लैके O तक ने, आर्टिकल 243 A तो O तक का की मतलब है, इस विच आर्टिकल लाइन वाइज इस तरह ने, आर्टिकल 243 A, आर्टिकल 243 B, आर्टिकल 243 C, इस तरह 243 तो लैके O तक ये आर्टिकल इनकलूड ने। तो इन आर्टिकलों में अपनी इंडिया राज्य की जी पंचायतों बारे किमें गठन होगा, कौन इसका निर्माण करेगा, तो कौन इस एलिजिबल है, पंचायत रिलेटड इन आर्टिकलों में लिखा हुआ है। बाकी इतने आप चैक कर सकते हैं, तो इस विच आर्टिकल आप 243 देख सकते हैं। सब तो पहला आर्टिकल 243 A विच ग्राम सभा बारे लिखा हुआ है, इस तो बाद 243 B विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत बारे लिखा हुआ है, इस तो बाद C विच कंपोजिशन ऑफ पंचायत बारे लिखा हुआ है। बाकी इस तरह पूरे आप आर्टिकल चैक करिए तो सिर्फ जी अपनी पंचायत ने उन्होंने डिटेल मैनशन की हुई है, तो करके इसको ब्रीफली एक बार रीड कर लो। हुण भाग नंबर 9 A की गल करिए, जो 9 पार्ट से उसका एक होर सब पार्ट है जिसनों आप 9 A दे नाल जानते हैं, इस विच 243 आर्टिकल P तो लैके G तक इनकलूड ने, मतलब 243 P, 243 Q, RST, G तक आर्टिकल्स इनकलूड ने। तो इन आर्टिकलों में की लिखा हुआ अपनी म्यूनसिपालिटीज यानी नगर पालिकावां बारे पूरी डिटेल में इनफॉर्मेशन दी हुई है। बाकी नगर पालिका बारे भी आप इतने चैक कर सकते हैं, इतने आर्टिकल 243 P लिखा हुआ है, तो Q लिखा हुआ है, तो इन्होंने डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज सारा कुछ पूरी ब्रीफली इतने दिता गया है। इस बाद पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 9 B की गल करिए, इस विच आर्टिकल 243 तो लैके ZH यानी डबल ZH तो ZT तक आर्टिकल्स इनकलूड ने। तो इन कोरपोरेटिव सोसाइटी बारे जिक्र किया हुआ, तो यह कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना देखिए, क्योंकि एग्जाम में इन्नी डीपली क्वेश्चन नहीं बनते कि अपने तो पूछे जाएंगे कि 243 ZH कि आर्टिकल है, मतलब कि दर्शाया गया, इन्ना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। तो इस बाद भाग नंबर 10 की गल करिए, इस विच आर्टिकल 244 तो लैके 244 A, मतलब टोटल दो ही आर्टिकल ने, एक तो 244 है, एक इसका सब पार्ट है 244 A। तो इस विच शड्यूल्ड एंड ट्राइब्स एरिया यानी अनुसूचित जातियां ते कबीले दे खेत्रां बारे उन्हां दे राइट्स बारे जिक्र किया गया है। दोस्तों मैनूं वीडियो विच कमेंट करके दसो कि जिहड़ी इह स्लाइड तुहाडे सामने है, जो वीडियो तुसीं देख रहे हो, यह इसका पूरा कलर कॉम्बीनेशन वगैरह, मतलब कि सब कुछ किवें तुहानूं लग्या, मतलब कि सोहणा लग रहा है या ठीक ठाक जिहा लग रहा है, वीडियो विच यस और नो लिख के कमेंट कर सकते हो तुसीं। ओके दोस्तों, हुण आपां गल करिए भाग नंबर 11 की, इस विच किन्ने आर्टिकल ने, 245 तो लैके 263 तक आर्टिकल इनकलूड किए गए ने। तो यह आर्टिकल की दर्शाते हैं, यूनियन अते राज्यां विचकार जिहड़ा रिश्ता है, मतलब कि किन्ना वधिया रिलेशन है, उन्हां बारे इन आर्टिकलों में दसा गया है। तो भाग नंबर 12 की गल करिए, इस विच आर्टिकलों की गिनती 245 तो लैके 300 A तक टोटल आर्टिकल्स इनकलूड किए गए ने। तो इन आर्टिकलों में वित्त जायदाद के इकरारनामे बारे पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि आपको इन रिलेटड किधर अधिकार हैं,
इस तो बाद पार्ट नंबर 13 की गल करिए, इस बिच आर्टिकलों की गल करिए 301 तो लैके 307 तक आर्टिकल इनकलूड ने। तो यह आर्टिकल की कहते हैं, व्यापार वणज अते इंटरकोर्स विद इन द टैरिटरी ऑफ इंडिया बारे पूरी इनफॉर्मेशन आपां नूं दित्ती गई है। तो भाग नंबर 14 की गल करिए, इस आर्टिकल 308 तो लैके 323 तक आर्टिकल्स इनकलूड ने। तो यह जिहड़ी अपनी UPSC हुंदी है, जिहड़े आपां नूं IAS IPS वगैरह एग्जाम कंडक्ट कराउंदी आ, इन्हां एग्जाम के अधीन आने वाली पोस्टां बारे पूरी ब्रीफली इत्थे मैनशन किया हुआ आर्टिकल 308 तो लैके आर्टिकल 323। दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपोर्टेंट जिहड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल आर्टिकल्स पार्ट्स इंपोर्टेंट ने वो ही सिर्फ इनकलूड किए हैं, तो वो ही एग्जाम थोड़े तो पूछे जाएंगे। तो पार्ट नंबर 15 की गल करिए, भी कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बट तुम राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन कर सकते हो। इस आर्टिकल 323 सिर्फ एक आर्टिकल ही आता है, तो करके कोई ज़्यादा जरूरी नहीं राइट डाउन ना करो तो भी बैटर है। इस तो बाद भाग 16 की गल करिए, इस आर्टिकलों की गिनती 324 तो लैके 329 ए तक इनकलूड किए गए हैं आर्टिकल। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन आर्टिकलों में इलैक्शन यानी चोन प्रक्रियावां बारे पूरी ब्रीफली इतने मैनशन किया हुआ है इन आर्टिकलों में। तो इस तो बाद भाग नंबर 17 की गल करिए, आर्टिकल किन्ने इनकलूड ने, 330 तो लैके 342 तक आर्टिकल इस भाग में इनकलूड ने। तो इस आर्टिकल में स्पैशल प्रोविजन टू रिलेटिंग द सर्टेन क्लासेस, कुछ खास क्लासा से संबंधित विशेष व्यवस्थावान का जिक्र किया गया। इस तो बाद पार्ट नंबर 18 की गल करिए, आप इस आर्टिकल इनकलूड ने 343 तो लैके 351 तक आर्टिकल पार्ट नंबर 18 इनकलूड ने। तो यह अपनी ऑफिशियली लैंग्एज पूरी ब्रीफली दसदी है कि अपनी ऑफिशियल लैंग्एज यह है। तो इस तो बाद भाग नंबर 9 की गल करिए, यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस विच आर्टिकल 352 तो लैके 360 इनकलूड ने। तो यह सारे आर्टिकल की कहते हैं कि एमरजेंसी व्यवस्था बारे अपन दसते हैं। इस तो बाद भाग नंबर 20 की गल करिए, इस विच आर्टिकल 361 तो लैके 367 तक आर्टिकल इनकलूड ने। तो यह भी आपातकालीन के रिलेटिड ही इन आर्टिकलों में मैनशन किया गया है। तो आर्टिकल 21 की गल करिए, तो इस 368 नंबर का आर्टिकल इनकलूड है। तो यह संविधान में सोध करन की आग्या अपन दिता है। आर्टिकल 368 की कहता है कि अपने संविधान में सोध किया जा सकता है, किमें किया जा सकता है, पार्लीमेंट की मदद नाल, मतलब पार्लीमेंट के मैंबर संविधान में सोध कर सकते हैं। तो करके एक ही आर्टिकल अपने संविधान में सोध करन की आग्या दी गई है। क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत नाल यह पूरी स्लाइड बनाई है, तो पूरा मैट्रिक्स में इनकलूड किया है। वीडियो में लाइक तो कमेंट जरूर करके जायो, एंड भारतीय संविधान रिलेटड MCQ की क्लास भी मैं जल्दी ही तुम्हें अपने चैनल पर प्रोवाइड जरूर करवा देंगे। तो करके वीडियो में लाइक एक कमेंट तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो।